यहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब संग से रहे दास रहे प्रसन्न। बाबा पितर दास सतगुरु शरणदास, सतगुरु हरिदास गुरु जोए, सो हमारी रतिया करे बिघन न लागे कोए। तम न सतगुरु गरीब दास, बंदो नित शुभ श्याम, चरण कमल को दंडवत, कोट कोट प्रणाम। रविदास यादव को समर्पित विशाल संत समागम एवं अमृत बाणी सतगुरु रविदास महाराज जी के पाठी एवं प्रचारक सम्मेलन में उपस्थित आदरणीय गुरु प्रसाद संगत जी, जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज अमृत बाणी में सारी मानवता को पावन उपदेश देते हैं। मन ही पूजा, मन ही धूप, मन ही सेव सहस रूप, जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी ने विश्व में आकर सारी मानवता को मानव प्रेम, प्रभु प्रेम, स्त्री पुरुष मान, करुणा न्याय, विश्व भाईचारा, लोकतंत्रक समाजवाद, संतों की संगत, हर के स्मरण करने का पावन उपदेश दिया और जगत गुरु रविदास महाराज जी सारी मानवता को बहन बर्मों से, कर्मकांडों से, अज्ञानता, पराधीनता, भेदभाव, असमानताओं से ऊपर उठकर सच्चे मन से प्रभु की पूजा करने का पावन उपदेश देते हैं। मन ही पूजा, मन ही धूप, मन ही शिव सहस रूप, संत महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चलकर मन में उस प्रभु को याद करना, यही उस प्रभु की सच्ची पूजा है, यही उसको दुख दिखाना है। और सहस रूप में पहुंचकर उस प्रभु के परम आनंद का अनुभव करना ही परम उच्च अवस्था है। हर के नाम बिन झूठे सगल पासारे, के हर के नाम के बिना सभी पासारे अडंबर जीते हैं। जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज जी संसार में सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, विद्यक और सभ्याचारक क्रांति लेकर आए। एक व्यवस्था जिसके तहत सदियों पहले विदेशियों ने आकर भारत के सुनहरी राजबाग को शल कप से छीना और मूल निवासी समाज को मानवीय अधिकारों से वंचित कर दिया।
जगत गुरु रविदास महाराज जी ने उस मानव विरोधी भेदभाव कर्म कांडों वाली व्यवस्था का खंडन किया और समाज को ये संदेश दिया, पराधीनता पाप है, जान ले हो रे मीत, रविदास दास पराधीन सो कौन करे है प्रीत, के प्राय के अधीन रहना सबसे बड़ा पाप है। मेरे समाज के लोगों इस बात को अच्छी तरह से जान लो, जो जी प्राय के दिन हो उससे कोई प्रेम नहीं करता। और जगत गुरु रविदास महाराज ने उस भेदभाव वाली व्यवस्था का खंडन किया, काल्पनिक भगवानों का खंडन किया और सर्वव्यापक प्रभु के स्मरण करने का सारी मानवता को उपदेश दिया। सर्वव्यापी सतगुरु मेरा सब दा करे सुधार, सर्व एक अनेक स्वामी सब घट पुग बै सोई, के जो प्रभु है एक से अनेक रूप दान कर, सभी जीवों में सारे सृष्टि में समाया हुआ है, उसके स्मरण करने का सारी मानवता को अधिकार है। और जगत गुरु रविदास महाराज ने जन्म के आधार पर जो सदियों से चली आ रही श्रेष्ठता को निकारा और गुणों को महान माना, रविदास ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण। यदि कोई ऊंची समझी जाती जात में उसका जन्म हुआ ब्राह्मण है, वो गुण से हीन है, वो पूजा के योग नहीं है। जिनको शूद्र माना जाता यदि वो गुणों से प्रवीण है, वो महान है। ऐसी क्रांति जगत गुरु रविदास जी महाराज इस संसार में लेकर आए और सबको ये पावन उपदेश दिया, मुसलमान सो दोस्ती, हिंदुओं से कर प्रीत, रविदास जो सब राम की सब है अपने मीत, मुसलमानों से दोस्ती, हिंदुओं से प्रेम करने का उपदेश दिया, सारी मानवता के साथ प्रेम करने का उपदेश दिया, बन को जन पिया नाम ले, बन में प्रीतम नाही, रविदास पिया है बसे हो मानव प्रेमी माहे, मानवता के साथ प्रेम करने का उपदेश दिया। और जगत गुरु रविदास महाराज ने विश्व के इतिहास में नवे अध्याय की परमता की, लोकतंत्रक समाजवाद का विश्व को उपदेश दिया, बेगमपुरा शहर को नाओ दो कंधो नहीं बैठाओ, और ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सफन को वन, छोट बड़े सब संपसे रविदास रहे प्रसन्न, ऐसा संकल्प दिया कि ऐसी व्यवस्था हो सब मानव मानव स्त्री पुरुष समान हो, सबको रोटी कपड़ा मकान मानवीय अधिकार प्राप्त हो, ऐसी व्यवस्था देकर मैं प्रसन्न होगा। जगत गुरु रविदास महाराज ने लोकतंत्र समाजवाद का विश्व को उपदेश दिया, जिसके आधार पर संयुक्त राष्ट्र का यूएनओ का संविधान टिका है और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान बनाकर व्यवहारिक रूप दिया है। तो जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज श्रीलंका से लेकर सऊदी अरब तक गए, उनके चरण कमलों में अनगिनत राजे महाराजे सभी वर्गों के लोग झुके, और जिन्होंने अपनी अमृत बाणी में चार किया, नागर जना मेरी जात विख्यात मारन, ऐ नगर के लोगों नागर जाति के लोगों मेरी जात विश्व विख्यात, चमार जाति है जो सिंधु घाटी की सभ्यता की मालिक जाति, जिसके पूर्वजों का कई सदियों तक भारत वर्ष पर राज रहा, गौरवशाली इतिहास पर मोर लाई, और जगत गुरु रविदास महाराज जी के चरण कमलों में अनगिनत राजे महाराजे सभी वर्गों के लोग झुके, और महाराज जी आवादान सदा मशहूर, उहां गनी बसे मामोर,
आबादान जो ईरान का शहर है। महाराज जी अपने अरब देशों की यात्राओं के दौरान वहाँ रुके और वहाँ के लोग बहुत खुशहाल थे, आर्थिक सामाजिक धार्मिक पक्ष से राजनीतिक पक्ष से खुशहाल थे और महाराज जी की बहुत सेवा की। और महाराज ने विचारण किया सारे विश्व में ऐसी व्यवस्था हो। महाराज सत्यपाल दास जी अक्सर सत्संग में फरमाते हैं कि वहाँ के सेवते से कब लोग दाना जी जिन्होंने जगत गुरु रविदास महाराज जी के अंतर्राष्ट्रीय सत्संग का आयोजन 20 मार्च 1480 को बनारस में किया, जिसमें देश विदेश से लाखों लोग पहुंचे, समकालीन संत महापुरुष पहुंचे। जगत गुरु रविदास महाराज ने एक आंदोलन चलाया, सबको स्वस्थ जल मिले, रोटी कपड़ा मकान मिले, मानव मानव समान हो, स्त्री पुरुष समान हो, सबको शिक्षा करने का प्राप्त करने का अधिकार हो और जो सामाजिक बुराइयां बाल विवाह प्रथा पर्दा प्रथा सती प्रथा का खंडन किया। तो हम उस ऐसे महान रहबर के पैरोकार हैं जिनके चरण कमलों में कुल लुकाई चुकी। और रविदासिया कौम जो है भारत की सबसे बड़ी कौम है और पूर्व पैरोकार जगत गुरु रविदास महाराज जी के विश्व भर में बसते हैं, जिनको रविदासिया धर्म विश्व स्तर पर धार्मिक पहचान मिली है। और अमृत बाणी सतगुरु रविदास महाराज जी ने जगत गुरु रविदास महाराज जी ने सदियों के गौरवशाली इतिहास पर प्रकाश डाला और प्रचलित मानव विरोधी व्यवस्था का विरोध किया और भविष्य के लिए बेगमपुरे वतन का संकल्प दिया। और आज वो अमृत बाणी के लाखों की तादाद में प्रकाश विश्व भर में हो चुके हैं, विश्व की अनेक भाषाओं में उसकी व्याख्या हो चुकी है। तो जो लोग अपने मूल के साथ जुड़कर रहते वो कहीं भी चल जाए उनका सम्मान होता है। जो कुछ मिलेगा अपने पिता से मिलेगा, यदि कोई अपने पिता का कहा नहीं मानता तो दूसरे उसको स्वीकार नहीं करते कि जी आप कहीं बाप का नहीं बना। तो हम जहाँ मर्जी भटकले जी हमारी मानसिक गुलामी है, जब तक हम अपने रहदों की शरण में नहीं आते में कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। तो जगत गुरु रविदास महाराज ने विश्व को महान विरासत दी है जो अमृत बाणी के रूप में विश्व विख्यात है। और उस महान विरासत के साथ जोड़ने के लिए संत महापुरुषों ने समाज तारकों ने भारत के कोने कोने में अनेकों आंदोलन चलाए, उन्होंने बहुत बड़ी जागृति पैदा की। और सतगुरु स्वामी सरबंदास जी महाराज जी ने विश्व स्तर पर श्री गुरु रविदास जन्म स्थान मंदिर श्री गोवर्धनपुर महान तीर्थ स्थान संगतों को प्रदान किया। और इस गल का इतिहास गवाह है कि हमारे समाज में से आज तक अनगिनत कुर्बानियां हुई उनको याद नहीं किया गया, क्योंकि दूसरों के लिए हुई। अमर शहीद संत रामानंद जी की शहादत रविदासिया कौम के लिए हुई और पूरे विश्व भर में स्वाभिमान अन्न की लहर चली। और शहीद विजय कुमार शीजेंद्र कुमार शहीद तेलू राम शहीद बलकार सिंह जी ने अपनी शहादत दी और 30 जनवरी 2010 को हजारों संसमाज की उपस्थिति में संत रंजन दास जी महाराज के आशीर्वाद से लाखों तादाद की संगत के बीच में रविदासिया धर्म का लान हुआ, अमृत बाणी के प्रकाश हुए, विश्व भर में संगत धार्मिक आजादी का आनंद अनुभव करती है। संत महाराज सत्यपाल दास जी महाराज भारत के कोने कोने में जाते हैं और एक साथ सैकड़े विवाह करवाते हैं अमृत बाणी के साथ। और संत बीबी कृष्णा देवी जी महाराज विश्व भर में घूमते हैं, संत रविंद्र दास जी और महापुरुष रविदास धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। तो आज हमें धार्मिक आजादी मिली है और इसको आगे बढ़ाने का काम हम सबको करना चाहिए। जो लोग ये अनुभव करते हैं हमारे ऊपर, हमारे रहबरों का, गुरुओं का, संत महापुरुषों का, समाज तारकों का, माता पिता का ऋण है, वो गुरुओं को गुरुओं के मिशन को आगे लेकर जाना अपना फल समझते हैं और उन पर गुरुओं का आशीर्वाद बना रहता है। कह रविदास मिलियो गुरु पूरे जे अंतर हर मिलाने,
जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज अमृत बाणी में उच्चारण करते हैं कि जब जीव का पूर्ण गुरु के साथ मिलाप हो जाता है, गुरु संत महापुरुष जीने का राह और प्रभु को मिलने का मार्ग बताते हैं। संत महापुरुष यही उपदेश देते हैं, अज्ञानता को त्याग कर अपने भीतर ज्ञान का प्रकाश करो, अपने बच्चों को शिक्षित करो और वहम भ्रमों से कर्मकांडों से मुक्त हो। हमें वो ही त्यौहार मनाने चाहिए जो हमारे रहबरों के हैं, और दूसरों के त्यौहार मनाना ये भी मानसिक गुलामी है। जिन्होंने हमें कुछ दिया, जिन्होंने मानवता को कुछ दिया, उनके त्यौहार मनाने चाहिए, उनको अपने रहबरों को याद करना चाहिए और अपने मूल के साथ जुड़कर रहना चाहिए। अपने माता पिता की सेवा, बड़ों का सत्कार, छोटों के साथ प्यार और मानवता के साथ प्यार करना चाहिए। और नशे समाज को खोखला कर रहे हैं। जगत गुरु रविदास जी महाराज जी ने आज से लगभग 600 साल पहले विश्व को जो मार्ग बताया, उपदेश दिया, रविदास मदरा का पीजिए जो चढ़े चढ़े उतराए, नाम महारस पीजिए जो चढ़े नहीं उतराए। जो नशे हैं वो तन की, मन की, धन की, स्त्री की, समय की हानि करते हैं। और जैसे महाराज सत्यपाल आज ने बताया कि शाम को जीव नशे पे पीता है और सुबह उतर जाते हैं, और जो जीव विष्णु का नशा, प्रभु के नाम का आनंद लेते हैं, वो कभी भी खत्म नहीं होते, वो आनंद हमेशा बना रहता है। और हमें अपने गुरुओं की विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहिए, इससे में सच्चा सुख और शांति मिलेगी। और जो गुरुओं ने राह बताया उस पर चलकर सुबह शाम अपने रहबरों की आरती, अमृत बाणी पढ़नी चाहिए, और उन्होंने जो उपदेश दिए उन पर विचार करना चाहिए, और उस विचार से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। जगत गुरु रविदास जी महाराज उच्चारण करते हैं, कोट पांच जाकी सुबारों में, करोड़ों सूर्यों से अधिक जीव के अंदर ज्ञान का प्रकाश है, नाम का प्रकाश है। ये कब अनुभव होता है? जब ये अपने गुरुओं के गुरु मंत्र का अभ्यास करता है, गुरु की मूर्त का ध्यान करता है, गुरु के शब्द का अभ्यास करता है। और जब जीव को आंखों के ऊपर प्रकाश अनुभव होता है तो ये इस जीवन में ही मुक्त हो जाता है। जगत गुरु रविदास जी महाराज उच्चारण करते हैं, जीवत मुख सदा निर्वाण। कोई भी जीव संसार में मर के मुक्त नहीं हुआ। जो अपने भीतर ज्ञान का प्रकाश कर लेता है वो जीव संसार में मुक्त हो जाता है। और जगत गुरु रविदास जी महाराज ने अमृत वाणी में त्रिकालदर्शी महर्षि भगवान वाल्मीकि जी महाराज, सतगुरु नामदेव जी महाराज, सतगुरु कबीर साहब महाराज, सतगुरु त्रिलोचन जी महाराज, सतगुरु सदना जी महाराज, सतगुरु सैन जी महाराज जी की महिमा की है कि ये महान महापुरुष हर का सिमरन कर हर का रूप हो गए। रे चुचे चेत चेत काहे ना बाल नीचे दे, कि जाते कह पदे मरियो राम भक्त बसेख। के संसार के लोगो त्रिकालदर्शी ब्रह्म ज्ञानी महर्षि वाल्मीकि के जीव से प्रेरणा लो, जो हर का स्मरण कर हर का रूप हो गए, जिनकी महिमा तीनों लोकों में कंडो ब्रह्मांड में होती है। नाम देव कबीर त्रिलोचन सन्ना सैंतरे, हर का स्मरण कर हर का रूप हो गए। सतगुरु नामदेव जी, सतगुरु त्रिलोचन जी, सतगुरु कबीर साहब, सतगुरु सदना जी, सतगुरु सैन जी महाराज। तो हमें ये अनमोल जीवन प्राप्त हुआ है। जगत गुरु रविदास जी महाराज उच्चारण करते हैं, मानुखा अवतार दुर्लभ। ये मानव जीवन इस संसार में सबसे श्रेष्ठ है, और इस मानव से सृष्टि में कोई और महान है, सिर्फ इससे महान सर्वव्यापी प्रभु है। और जिन संत महापुरुषों ने उस प्रभु का प्रकाश अपने अंदर कर लिया वो महान है, बाकी सब इस जीव से नीचे है। और जगत गुरु रविदास महाराज जी उच्चारण करते हैं, जहाँ जहाँ जाए तहाँ तहाँ बंधन, त्रिव ताप न जाई कह रविदास तबे सच पावे आपा उलट समाई। के सर्वव्यापक प्रभु को छोड़कर जीव जहाँ जहाँ जाता है उल्टा बंधन में बच जाता है, और उसको तीनों ताप आदि व्याध उपाय लगते हैं,
ये जी कभी सच के साथ जुड़ता है जब अपना ध्यान उल्टाकर वहमो भ्रमो से कर्मकांडों से ज्ञानता से हटाकर सर्वव्याप्रभु संत महापुरुषों की अपने गुरुओं की रैवरों के मिशन के तरफ लगाता है तभी इसको सच की प्राप्ति होती है। तो गुरु प्यारी साहब संगत जी संगत ने बहुत महान उपराला किया, विश्व भर में बहुत बड़ी चेतनता है, रविदास धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है, संत महापुरुषों का आशीर्वाद है, जगत गुरु रविदास महाराज जी के समर्पक पैरोकारों की संत गणना, समाज की कीर्तनीय पाठी गीतकार लेखक कवियों का गायकों का बहुत बड़मुला योगदान है। तो हमें आप अपने महान रैवरों के साथ जुड़ना चाहिए और अपने आने वाले बच्चों को अपनी आने वाली नस्लों को पीढ़ियों को अपने रैवरों के मिशन के साथ जुड़ना चाहिए। तो हमें अपनी जो धार्मिक पहचान है रविदास धर्म वो ही हमारी आर्थिक सामाजिक राजनीतिक धार्मिक मुक्ति का मार्ग है और इसको बरकरार रखना चाहिए और संवैधानिक हकों पर पहरा देना चाहिए तभी हम अपने बच्चों को उज्ज्वल देकर जाएंगे। सभी प्रबंधकों का संत महापुरुषों का बहुत बहुत धन्यवाद, सबको जय गुरुदेव। जो बोले सो नर पै जगत गुरु रविदास महाराज की जय, जो बोले सो नर पै सतगुरु स्वामी सरवण दास महाराज की जय। जय गुरुदेव।